और आइए अब आपको मध्य प्रदेश के वन मंत्री से मिलवाते हैं। इन पर आरोप है कि सरकारी खर्च पर ये अपने परिवार को सैर सपाटा करा रहे थे। जिनको पात्रता सरकारी खर्च से जाने की वो सरकारी से गए, जिनको नहीं है पात्रता वो निजी खर्च से गए, उनका भुगतान हुआ। सरकारी खर्चे का पाठ पढ़ा रहे ये शख्स बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार हैं। इनके खिलाफ मंत्री पद का गलत इस्तेमाल और सरकारी खर्चे पर परिवार के लोगों को सैर कराने का आरोप लग रहा है। मामला पिछले साल फरवरी का है। मंत्री गौरीशंकर एक सेमिनार में भाग लेने कर्नाटक गए थे। मंत्री जी के साथ उनकी पत्नी और साली भी गयी। हवाई यात्रा और रुकने का खर्च टूरिज्म बोर्ड ने उठाया। मामले के उजागर होने के बाद गौरीशंकर ने अपने परिवार के खर्चे का पैसा जमा किया। मेरे तरफ से निजी जो लोग थे उनका भुगतान किया गया है और विधिवत इसका जो रेगुलर ऑडिट होता है उसमें कहीं कोई आक्षेप नहीं है और मैं समझता हूँ कोई इसमें कोई अनियमितता नहीं है और ना तो इसमें कहीं कोई हमारी इंटेंशन था और ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन कांग्रेस इतने से नहीं मान रही। कांग्रेस को गौरीशंकर का इस्तीफा चाहिए। अगर वो अपने परिवार के साथ सरकारी खर्च पर मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं और सरकारी विभाग जो है उसका भुगतान करता है तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो मैं समझता हूं कि गौरीशंकर शेजवार जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये कोई नए मंत्री नहीं है। इन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में वो काम कौन से काम है जो आते हैं। लोकायुक्त ने इस मामले पर 16 जनवरी तक जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं, इसीलिए ये मुद्दा अभी और बढ़ सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।